गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर नहीं किया था। कारण ये था कि हम लोग घर का रिपेयर करवा रहे थे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग प्रॉफिट नहीं बंधवाए थे, प्रॉफिट करवा दिए और प्लास्टर भी करवा दिए हैं। और ये पीछे साइड का हिस्सा है, इधर भी हम लोग प्लास्टर करवा दिए हैं। लगभग अभी हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग प्लास्टर करवा दिए हैं, इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद में अभी से पेंटिंग पोचड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी पेंटिंग पोचड़ा कर देने से उसमें चूना में सीमेंट चूना का अंश रहता है और तो प्लास्टर को जल्दी ख़राब कर सकता है। इसलिए इसको अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रखने देते हैं। ये सामने का साइड है, नीचे हम लोग खपरा का छावनी कर दिए हैं बरामदा में। और आज शिव जात्री है, इसलिए घर का सफाई वगैरह करके ये रितु की मम्मी यहाँ बैठी हुई है। और आज लेडीज़ लोग सब पूजा पाठ में जाएंगे, इसलिए अभी हम लोग का नाश्ता नहीं बना है। रोज तो रोटी बना देती है रितु की मम्मी, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं कि गुलगुला बनाएंगे, जो कि आटा से ही बनता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले आटा सानने के लिए गुड़ का पानी इस्तेमाल करेंगे और गुड़ को उबाल लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा देर के बाद में उसको सानेंगे। गांव का एक रीति रिवाज है कि कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो घर आंगन का साफ सफाई हम लोग गोबर का लीप लगा करके करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इधर पूरा आंगन जो है ना गोबर का लेप लगा दी है। ये हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है और ये एक ढेला है, इसका थोड़ा से हटा देंगे और इसको थोड़ा से कूट देते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें अभी हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें गुड़ डाल दिया है और ये अभी धीरे धीरे उबल के गल जाएगा। आप लोग जितना ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहेंगे उस हिसाब से पानी ले सकते हैं और गुड़ भी। ये अभी उबल के तैयार हो गया, अभी हम इसको उतार देते हैं। इसको हम थोड़ा सा छान देते हैं, क्योंकि बालू वगैरह रहता है ना, ये अभी गर्म है। यह हमने एक प्लेट लिया है, इतना काफ़ी है आटा। इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग दो ही जन खाएंगे ना, बस इतना काफ़ी है। और ये गुड़ पानी को हमने उबाल लिया था, इसको अभी हम डाल देते हैं। और थोड़ा सा मुलायम सानना होगा इसको, तो चलिए पहले हम सान लेते हैं। आप लोग इसमें चाहें तो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा भी मिला सकते हैं, इससे क्या होगा कि गुलगुला फूल करके बनेगा। तो हम इसमें सोडा नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही सान करके कम से कम आधा घंटा तक रख देंगे। और रोटी जिस तरह बनाते हैं उस तरह इसको नहीं सानना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम सानना पड़ता है, ताकि गुलगुला बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसको अभी हम सान लेते हैं, हल्का सा गर्म है अभी पानी। ये आटे को हमने सान दिया है गुलगुला बनाने के लिए। हमने इसमें आलू उबाल दिया था सब्जी बनाने के लिए, ये तैयार हो चुका है, इसको उतार देते हैं। ये आलू का सब्जी थोड़ा सा बना लेते हैं दोस्तों, ये तेल थोड़ा सा डाल देते हैं। आहा, बहुत ज़्यादा डाल दिए। इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, उतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही से डाल देते हैं। ये मसाला डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये आलू सब्जी तैयार हो चुका है दोस्तों, इसको अभी हम उतार देते हैं। अभी हम इसमें तेल डाल देते हैं, तब तक गर्म होने देते हैं। गुलगुला तो अभी से तैयार नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा हम लोग मूड़ी निकाल लिए हैं और ये आलू का सब्जी को डाल देते हैं। और ये कल का बचा हुआ था बैंगन का सब्जी भी, इसको भी डाल दिए हैं और निकाल। मूड़ी का नाश्ता तो कर लिए दोस्तों, अब हम लोग गुलगुला बनाएंगे। और ये तेल भी गर्म हो चुका है और ये आटा को भी हमने सान करके कम से कम एक घंटा तक हो गया है, जितना देर तक रहता है उतना ही अच्छा बनता है। तो चलिए अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इतना छोटा छोटा डाल सकते हैं,
तेल बहुत बढ़िया गर्म हो गया है। इसमें हमने सोडा नहीं दिया है, यदि सोडा दिया रहता तो फुल उठता, और तेल भी तो खींच लेता है ना सोडा देने से, इसलिए तेल को बचाना है। ये गुलगुला भी तैयार हो चुका है दोस्तों, अभी हम लोग तेल को उतार देते हैं। दो कपड़ा सब ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त बन गया है गुलगुला। ये आटे का बनता है दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग रोटी बनाते हैं, तो हम लोगों ने आज गुलगुला बना लिया। ये गुलगुला का नाश्ता अभी हम लोग करेंगे दोस्तों, और ये आलू का सब्जी में थोड़ा सा प्याज डाल दिए हैं, और मेरा वाला में मिर्चा भी डाल दिए हैं। आज हम लोग का डबल नाश्ता हो रहा है दोस्तों, तभी तो हम लोग मुड़ी का नाश्ता कर लिए थे, और ये गुलगुला बना लिए हैं, अब इसका नाश्ता करेंगे। और आज तो घर का जितना भी महिला सदस्य है वो लोग पूजा पाठ में व्यस्त है, इसलिए वो लोग खाएगा नहीं, इसलिए आज हम लोग अपने से ही बना करके नाश्ता तैयार करके। खूब मस्त बना है दोस्तों, आप लोगों को ये गुलगुला रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हमने इसमें सोडा नहीं दिया था, खाने वाला सोडा, यदि सोडा भी दिया रहता ना तो और ज़्यादा फूल जाता, लेकिन उसमें क्या होता है कि तेल ज़्यादा घींच लेता है, इसलिए हमने सोडा नहीं दिया। इसी तरह आटा को सान करके आधा एक घंटा रख देने के बाद बनाने से बहुत बढ़िया बनता है, फुला फुला। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।